एवरीवन, नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल शिखा ब्यूटी वर्ल्ड में। तो आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ आगुन फेशियल ऑयल विद गोल्ड लिप्स का, जो कि गुड वाइब्स ब्रांड से है। तो इसे मैंने खरीदा था, मैंने अपने पर्पल हॉल में दिखाया था कि मैं इसका रिव्यू भी करूँगी बाद में इंडिविजुअली। तो आज मैं इसका रिव्यू लेके आई हूँ। तो इसे मैंने यूज़ करके देखा तो कैसा लगा मुझे, ये सब मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगी और डेमो भी दिखाऊंगी। तो पहले इसकी पैकेजिंग के बारे में बात कर लेते हैं। इस तरह के कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आया है, ये छोटा सा है, 10 ml क्वांटिटीज़ की आती है और इसकी MRP है 295 rupees, लेकिन ऑफ़र में आपको ये और भी कम में मिल जाएगा, तो मैंने थोड़े से कम प्राइस में लिया है। तो जो ऑफ़र प्राइस है मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इसके शेल्फ़ लाइफ है 2 साल, ये मैन्युफैक्चर्ड हुई थी नवंबर 2018 में और लिखा है यूज़ बिफोर अक्टूबर 2020। तो इसमें की इंग्रेडिएंट्स है आर्गन ऑयल, गोल्ड लीफ, विच हेजल, विटामिन ई, विटामिन ए एंड डी। फिर बेनिफिट्स है इसके, 5 साइंस ऑफ एजिंग, रिजुवेनेट स्किन, नाइट टाइम मॉइस्चराइजर। हाउ टू यूज़, टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल इन ए कॉटन बॉल, जेंटली डैब इट अक्रॉस योर फेस अंटिल द ऑयल इज एब्जॉर्ब। तो कॉटन बॉल में लेने के लिए बोला गया है, लेकिन मैं इसे नॉर्मली ड्रॉपर से फेस पर लगाती हूँ, फिर हाथ से मसाज करके ब्लेंड कर देती हूँ। बी केयरफुल ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, मे बी इरिटेटिंग टू सम पीपल, ऑलवेज कंडक्ट ए पैच टेस्ट बिफोर यूज़, कीप अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चिल्ड्रन। तो पैच टेस्ट कर ले इसे यूज़ करने से पहले, क्योंकि कुछ कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स काफ़ी इरिटेट कर देते हैं स्किन को, रैशेस हो सकती है, फिर मीन्स अनकम्फर्टेबल लग सकता है आपको, स्किन में जलन हो सकता है, तो इससे पहले एक बार पैच टेस्ट कर ले। तो इसके अंदर ये इस तरह के ग्लास बोतल में आया है, तो सेम जैसा कि रोजी सीरम जो है वो आया था, यहाँ पे एक वाइट कैप था, सील्ड कैप था जो कि मैंने तोड़ के उसे खोलना पड़ता है सील को निकाल के। तो ड्रॉपर मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो ये इस तरह के बोतल में आया है और जहाँ पे ये स्टिकर नहीं लगा है वहाँ पे ट्रांसपेरेंट ग्लास से आपको ये ऑयल दिखेगा, एकदम हल्का लाइट येलो कलर जैसा है, एकदम लाइट लेमन कलर जैसा होगा शायद से। तो ड्रॉपर से इसे लगाना है, तो अंदर छोटे छोटे गोल्ड लीव्स है तो क्लियरली दिखता है। अभी मैं आपको क्लोजअप करके दिखाती हूँ, पता नहीं ये विजिबल होगा कि नहीं, लेकिन आप ऐसे बोतल में ऑयल को देखेंगे तो आपको गोल्ड लीव्स बहुत ही क्लियरली दिखाई देते हैं। तो इसे लगाने से पहले अच्छे से शेक कर लेना चाहिए। आई होप कि ये कैप्चर कर रहा होगा, और ऊपर से पूरा स्टिकर लगा हुआ है तो ईजिली दिखता नहीं है, यहाँ से दिख जाए शायद से। तो आप अंदर छोटा छोटा बबल जैसा कुछ देख रहे होंगे, बीच बीच में है, चलिए यहाँ से दिखा देती हूँ। तो हल्का हल्का बीच में कुछ पार्टिकल्स जैसे दिख रहे हैं, वो गोल्ड लीव्स है। ये रहा इसका ड्रॉपर, तो ट्रांसपेरेंट सा है ऐसे देखने में, बोतल में हल्का लाइम कलर जैसा दिखता है। तो पहले हाथ में लगा के दिखाती हूँ, तो एक या दो ड्रॉप ही लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो फेस पूरा ऑयली हो जाता है। तो ड्राई स्किन के लिए और विंटर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, और अगर आपको कोई ग्लोई सा ड्यूई सा इफेक्ट चाहिए मेकअप में, तो फाउंडेशन के साथ इसका एक दो ड्रॉप मिलाकर भी आप मेकअप कर सकते हैं, तब आपका फेस बहुत ही अच्छे से ग्लोइंग लगेगा। तो ड्राई स्किन के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है आर्गन ऑयल, गोल्ड लीफ, विच हेजल, विटामिन ई विटामिन डी, तो काफ़ी अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स है, स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आर्गन ऑयल स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ये एज ए नेचुरल मॉइस्चराइजर काम करता है, स्किन को हाइड्रेट रखता है और सॉफ्ट बना देता है, फिर एक्ने रिड्यूस करता है, स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है, ड्राई पैचेस को सॉफ्ट करता है। इसमें गोल्ड लीव्स है जो कि कोलेजन डिप्लेशन को स्लो कर देता है, कोलेजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है स्किन को, तो जैसे जैसे एज होती है कोलेजन भी कम होने लगता है, स्किन में प्रोडक्शन का कम हो जाता है, तो इससे हमारे स्किन में फाइन लाइन्स, रिंकल्स, डार्क सर्कल्स ये सब हो जाते हैं, एजिंग के साइंस आने लगते हैं, तो ये कोलेजन डिप्लेशन को स्लो कर देता है, तो इसलिए ये काफ़ी इफेक्टिव है। गोल्ड लीव्स स्किन के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, स्किन को प्रीमैच्योर एजिंग से बचाता है, फाइन लाइन्स, रिंकल्स, फिर डार्क सर्कल्स, स्किन में जो एजिंग के साइंस आने लगते हैं उसे ये प्रिवेंट करता है, ये सेल्स को स्टिमुलेट करता है जिससे स्किन फर्म और टाइट बनी रहती है, विच इज़ स्किन को ठंडक पहुँचाता है, ये स्किन इन्फ्लेमेशन से बचाता है, और ये एज ए एस्ट्रिंजेंट भी काम करता है पोर्स को श्रिंक करके। इसमें विटामिन ई भी है जो कि बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए, ये हाइड्रेटिंग है काफ़ी और स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, सॉफ्ट बनाता है, स्कार्स के अपीयरेंस को ये रिड्यूस करता है, प्रिवेंट करता है, फिर फेशियल रिंकल्स, फाइन लाइन्स आ जाते हैं उसे भी ये प्रिवेंट करता है। विटामिन ए कोलेजन बूस्ट करता है, ये हाइड्रेटिंग भी है और रिंकल्स को रिड्यूस करता है, पिगमेंटेशन रिड्यूस करता है, स्किन को थिकन भी करता है, और साथ में
ये स्किन को हील करता है। जैसे स्किन में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, स्किन में डैमेज होने लगती है, तो ये स्किन को हील करता है। और लास्टली इसमें विटामिन डी है जो कि एक्ने को ट्रीट करता है। फिर ये स्किन की इलास्टिसिटी को भी इंक्रीज करता है, स्टिमुलेट करता है कोलेजन प्रोडक्शन में। इससे जो एजिंग के साइंस स्किन में दिखने लगते हैं वो रिड्यूस होते हैं, डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, रिंकल्स, फाइन लाइंस दिखने शुरू हो जाते हैं, तो वो इसे रिड्यूस करता है। तो विटामिन डी की कमी से स्किन काफ़ी डल दिखने लगती है, और जैसे जैसे एज बढ़ता है तो विटामिन डी अपने आप नेचुरली स्किन में बनना कम हो जाती है, तो हमें एज ए सप्लीमेंट भी लेना होता है कभी कभी बाहर से। तो ये सारी इंग्रेडिएंट्स थी और इसके काफ़ी अच्छे अच्छे इफेक्ट्स है, बहुत ही अच्छे गुण हैं इसमें। तो ये एंटी एजिंग का काम करता है। रात को एज अ मॉइस्चराइजर आप लगा के सो जाए तो आपकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट एंड सपल रहेगी सुबह तक, और जो एजिंग प्रोसेस है वो भी स्लो हो जाएगी। तो चलिए इसका डेमो देख लेते हैं, इसे कैसे लगाना है। तो ड्रॉपर में लेके मैं 2 ड्रॉप्स डाल रही हूँ, फिर इसे डैब करते हुए ब्लेंड कर लेना है, और बहुत ही लाइट मसाज करूँगी मैं। तो ये क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये ऑयल है, थोड़ा बहुत जैसे हैवी मॉइस्चराइज़र होते हैं वैसा टाइप का फील होता है। तो सर्दियों में ये बेस्ट वर्क करेगा और ड्राई स्किन वालों के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन गर्मियों में ऐसे ही फेस ऑयली और चिपचिप सा होता है स्वेटिंग से, ह्यूमिडिटी से। तो ये हैवी मॉइस्चराइज़र जैसा लग रहा है मुझे। तो फेस को कवर करने के लिए जस्ट 1 या 2 ड्रॉप ही काफ़ी है, बहुत ही अच्छे से कवर हो जाता है। और डैब करते हुए हल्के हल्के से बहुत ही लाइटली मसाज करना है, और जैसे ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये फिर भी जैसे मेरा कॉम्बिनेशन स्किन है तो हैवी मॉइस्चराइज़र टाइप का मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी समर है तो विंटर के लिए ये बेस्ट वर्क करेगा, और जिनका ड्राई स्किन है उनके लिए भी काफ़ी इफेक्टिव है। और अगर आपका ऑयली या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है जैसा कि मेरा है, तो इससे आप अगर लगाना चाहते हैं तो रात को फेस वॉश करके लगा सकते हैं एज ए मॉइस्चराइज़र, फिर आपको अलग से मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जब ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा डीपली, ये नरिश करेगा स्किन को, एंटी एजिंग काम करता है, फाइन लाइंस, रिंकल्स, पिगमेंटेशन, एजिंग के जितने भी साइंस होते हैं उनको रिड्यूस करेगा और डिले करेगा। तो आप रात को इसे लगा के सो सकते हैं, तो दिन में इसे बिल्कुल भी नहीं लगाएं, क्योंकि अभी वैसे भी गर्मियां हैं और स्वेटिंग की वजह से और ह्यूमिडिटी से काफ़ी स्किन ऑयली और चिपचिपा सा लगता है। तो इसे अगर लगा के बाहर जाएंगे तो शायद से और भी हैवी लगे। लेकिन अगर आपको डुई मेकअप चाहिए, आप चाहते हैं कि आपका फेस ग्लोई लगे फाउंडेशन लगाने के बाद, तो आप इसे फाउंडेशन में 1 या 2 ड्रॉप मिला के भी लगा सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं। तो ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है और बिल्कुल स्टिकी नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसे लाइट वेट है काफ़ी, लेकिन जब हम टच करके ऐसे देखते हैं तो फील होता है कि कोई हैवी मॉइस्चराइज़र लगाया हुआ है। तो ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है, क्योंकि उनका स्किन काफ़ी पैची हो जाता है, जगह जगह पर ड्राई होता है, फ्लेकी हो जाता है, और जब मेकअप करते हैं तो अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है किसी किसी एरियाज़ में, नोज़ के एरियाज़ में, तो ड्राई पैचेस बैठ जाते हैं। तो फाउंडेशन लगाने के पहले अगर आर्गन ऑयल यूज़ कर ले तो उनके लिए काफ़ी बेस्ट होगा, अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, काफ़ी स्मूथ हो जाता है। तो अगर आपकी ऑयली या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है तो रात को लगाकर सो जाइए एज अ मॉइस्चराइज़र, तो ये स्किन के अंदर तक जाके आपके स्किन को रिपेयर करेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो रिकवरी होता है हेल्थ के, कोई भी इश्यूज़ हो, स्ट्रेस हो, या फिर स्किन की जो रिपेयरिंग होती है, हीलिंग होती है, सभी रात को सोते वक्त ही होते हैं, सेल्स रीजनरेट होते हैं, तो उसी टाइम पे आपको इसे लगाकर सोना है। तो आपके जो एजिंग के साइंस है वो डिले होगा, इसे रिड्यूस करेगा, फाइन लाइंस, रिंकल्स, डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन, तो इससे आपकी स्किन काफ़ी ग्लोइंग और यंग भी लगेगी। आई होप कि ये रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे और भी ऐसे वीडियो देख सके। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।